नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर, मानस मंडल परिवार ने जगन्नाथ स्वामी को दिया निमंत्रण। रथ यात्रा पर्व के अवसर पर आज मानस मंडल परिवार के अध्यक्ष श्री अनुपम तिवारी सहित अन्य सदस्यों द्वारा लक्ष्मण बाग जाकर जगत के जीवन दाता भगवान जगन्नाथ स्वामी के चरणों में आरती पूजा आदि कर प्रार्थना की गई। इस वर्ष धूमधाम से भक्तों को दर्शन लाभ प्रदान करें तथा रात्रि विश्राम मानस भवन में करें। मानस मंडल रीवा के अध्यक्ष श्री अनुपम तिवारी ने बताया कि हर वर्ष भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा का रात्रि विश्राम मानस भवन में होने के बाद दूसरे दिन मानस पूजा प्रसाद वितरण के साथ आरती भजन कीर्तन आदि कर भगवान की उत्साह से सेवा के बाद विदा किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मानस मंडल रीवा के अध्यक्ष श्री अनुपम तिवारी, उपाध्यक्ष डीपी सिंह परिहार, कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर दीननाथ शास्त्री, राममणि मिश्र, डॉक्टर प्रेम शंकर सिंह, अवधेश श्रीवास्तव, पुजारीगढ़ शत्रुधन शुक्ल राम, संजीव मिश्र, जगदीश त्रिवेदी, मंगल दीन तिवारी, भयालाल मिश्र, राम सजीव मिश्र सहित श्रद्धालु जन उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से रीवा से रोहित पाटिल की स्पेशल रिपोर्ट। ये आज 1 जुलाई को होने वाली जो रथ यात्रा का कार्यक्रम होता है, तो आज हम लोग मानस मंडल परिवार के लोग लक्ष्मण बाग आए हैं भगवान जगन्नाथ स्वामी के श्री चरणों में निवेदन करने कि जब आप 1 तारीख को रथ यात्रा में निकलेंगे भक्तों को दर्शन देने, तो आप रात्रि विश्राम मानस भवन में करें। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग भगवान के श्री चरणों में ऐसा निवेदन करने आए हैं और भगवान आएंगे, रात को रहेंगे, उनकी आरती होगी, दूसरे दिन आरती पूजा, महिलाओं का मानस भजन, इसके बाद प्रसाद वितरण और इसके बाद भगवान पुनः लक्ष्मणवाद के लिए विदा होंगे। ऐसा बहुत सारे वर्षों से, दशकों से ऐसी परंपरा रही है, भगवान रात्रि विश्राम मानस भवन में करते हैं और ऐसा ही निवेदन करने हम भगवान के पास यहाँ लक्ष्मण बाग आए हैं। आज कौन सा कार्यक्रम मनाया जा रहा है और किस लिए भीड़ है? ये तो कार्यक्रम नहीं, ये रामचरित मानस का पाठ पारायण हुआ है। कार्यक्रम ही मानिए, ये भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा कब निकली? जगन्नाथ भगवान के अभी संसारी जी आए थे 10 मिनट पहले, यहाँ आप देखे होंगे, वो औषधियाँ को भगवान को सेवा। और ये हमारा तो ख्याल है कि ऋषियों के द्वारा रिसर्च की हुई, वेदों के द्वारा रिसर्च की हुई, ऋषियों ने इसका रिसर्च करके तो भगवान की ही परंपरा में लागू है। यात्रा कब निकलेगी? ये तो रथ यात्रा को निकलती है द्वेज को कै तारीख को? एक तारीख को निकलेगी। हाँ, एक तारीख, ये हर दम नहीं, 1 तारीख को पड़ती, दूसरी साल पड़ती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोकर्ण प्रसाद त्रिपाठी।